तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE सुपर शोडाउन 2020 के मैच कार्ड और विनर प्रिडिक्शन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए रेसलिंग फिनोमेना चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। इसी के साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मैच हमें देखने को मिलेगा स्मैकडाउन लाइव टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां द न्यू डे अपने टाइटल्स को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द टीम ऑफ मिस एंड जॉन मॉरिसन। और इस मैच में हमें मिस और जॉन मॉरिसन की टीम की जीत होती हुई दिखाई दे सकती है और इस तरह से बन सकते हैं आपके न्यू स्मैकडाउन लाइव टैग टीम चैंपियंस। अगला मैच होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, जहां द बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट रिकोशे। और इस मैच में हमें ब्रॉक लेसनर की जीत होती हुई दिखाई दे सकती है और इस तरह से वो अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। नेक्स्ट मैच होगा रॉ टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहां सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और इस मैच में हमें सेथ रॉलिंस और बडी मर्फी की जीत होती हुई दिखाई दे सकती है। अगला मैच होगा इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां ब्रॉन स्ट्रोमन अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट शिंसुके नाकामुरा। और इस मैच में ब्रॉन स्ट्रोमन अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। अगला मैच हमें देखने को मिलेगा एक स्टील केज मैच, जहां द बिग डॉग रोमन रिंग्स सामना करेंगे किंग कॉर्बिन का। और इस मैच में आसानी से रोमन रिंग्स की इस मैच में जीत होती हुई दिखाई दे सकती है। अगला मैच होगा टुआक ट्रॉफी के लिए गॉन्टलेट मैच, जहां पर 6 पार्टिसिपेंट्स बॉबी लेस्ली, अंड्राडे, एजे स्टाइल्स, एरिक रोवन, रूसेव और आर ट्रूथ यहां हिस्सा लेंगे। और इस मैच में एजे स्टाइल्स की जीत होती हुई हमें दिखाई दे सकती है। अगला मैच होगा स्मैकडाउन लाइव वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, जहां बेली अपने टाइटल को डिफेंड करेंगी अगेंस्ट नियोमी। और इस मैच में बेली आसानी से अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगी। अगला मैच होगा WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, जहां द फीड अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द आइकॉनिक गोल्डबर्ग। दोस्तों, यहाँ कैसे ना कैसे करके द फीड अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। अब अगर गोल्डबर्ग ये मैच जीतते भी हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन से इस मैच को जीतेंगे, लेकिन रसलमेनिया 36 में द फीड ही जाने वाले हैं यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ। दोस्तों, यहाँ पर कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन रियलिटी में द फीड का गोल्डबर्ग से मैच कराने का मतलब सिर्फ यही है कि द फीड का मोमेंटम बनाया जा सके रसलमेनिया 36 के लिए और उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाया जा सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में था इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।